हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन सबके डाउट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे डाउट होते हैं जो मेरे साथ भी हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। मार्क्स स्टक हो गए हैं, ठीक है। पहला डाउट यही है कि किसी के यदि 55 मैक्सिमम आ रहे हैं ना, उससे ऊपर भर ही नहीं रहे। वो बेचारे मॉक डेली दे रहे हैं बट उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। पहला डाउट है 57, कोई भी मार्क्स ले लो, किसी के 42 भी रहेंगे, किसी के 49। 52 से 55 वाले तो मैं बता रहा हूँ 99% लोग होते हैं, खुद का एक्सपीरियंस है ये मेरा, ठीक है। दूसरा डाउट है कि टाइमिंग, किसको किस टाइमिंग से करें। तीसरा डाउट है कि पहले मैथ सोल्व करना चाहिए या रीजनिंग। चौथा डाउट है कि मैथ में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, और इसी के साथ में अपन रीजनिंग काउंट कर लेते हैं, रीजनिंग में पजल नहीं बन रहे, ठीक है। पांचवा डाउट है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं बन रही, हमारे 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो चाहे इसको। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताते ये, आरआरबी के लिए मतलब क्लर्क भी और दोनों के लिए ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। यदि ये है तो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे लास्ट ईयर कहीं को 16-16 मार्क्स ऊपर बढ़े थे, वो क्लर्क के अंदर थे। पीओ के अंदर 7 से 8 मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तभी बढ़ते हैं। लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन यदि आपका क्वेश्चन ही गलत हो गया तो नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ का। आपके 100% एक्यूरेसी रहेगी तभी नॉर्मलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो वो एक्यूरेसी पर रहता है, तभी मैं बोलता हूँ कि एक्यूरेसी करके आओगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। वो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ते हो भली मार्क्स, बट यदि आपके मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब 100% एक्यूरेसी हो। ये नहीं आपकी शिफ्ट में पेपर बहुत मतलब कि हार्ड आया था और आपने फिर 10 तो गलत कर दिए, तो फिर आपका 0 मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। यदि आपने वही 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपके 15 मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है कि कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, मतलब कितने मॉक देने चाहिए एक दिन में, मतलब मॉक देने चाहिए डेली कितने देने चाहिए, ये पूछा है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है सेफ अटैम्प्ट, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, आपका कोई भी स्टेट से चाहे एक सीट भी हो, ठीक है, तो वो भी बता दूँ आपको कितने पे आप सेफ हो, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये टेस्ट बुक की तरफ से फ्लैश सेल आ रखी है 24 आवर्स के लिए ओनली। इसके अंदर आपको क्या है कि जो ईयरली पास है 499 वाला, वो 375 रुपीज़ में मिलेगा। जस्ट सिंपल आपको करना क्या है कि आपको ये कोड यूज़ करना है GKB। यदि आप GKB कोड यूज़ करते हो तो आपको 499 वाला 375 रुपीज़ में मिल जाएगा, कि मतलब कि जो टोटल ऑफ है वो 124 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। तो जिस किसी को भी परचेज़ करना हो वो कर सकता है, मेरा कोड यूज़ कर लेना GKB, ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन है, पहला है मार्क्स तक वाला। देखो आप पता है क्या है, रिपीट मोड पे सेम मिस्टेक कर रहे हो। अब कहेंगे क्या मिस्टेक है, वो भी बता देता हूँ। आप बार बार वही चीज़ कर रहे हो कि रीजनिंग में पहले अटैम्प्ट करके हमें 40 अटैम्प्ट, आपका माइंडसेट ये है 40, ये मैथ में 20। ये माइंडसेट के साथ आप करोगे तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आप हमेशा स्टक हो जाओगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है ना कि रीजनिंग इजी आ रहा हो, ठीक है। ये चीज़ आप समझो कि कई बार मैथ इजी आता है। अब कुछ मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं आप मेरे बारे में बता दूंगा, क्योंकि मैं मेरे बारे में कभी वो नहीं बताता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो अभी मैंने रिसेंट RBI क्लियर किया है मेंस, ठीक है, तो मेंस मैंने सारे क्लियर कर लिए हैं। पीओ के तो जितने मेंस हैं मैंने क्लियर कर लिए हैं, बस इंटरव्यू रह जाता है, और बाद में इंटरव्यू नहीं रह जाता, मतलब ओवरऑल मार्क्स रह जाते हैं 1-2 मार्क्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी अपना वक्त भी आएगा। अब देखो अब होता क्या है कि अपन जब जैसे रीजनिंग, जैसे लास्ट ईयर का बताता हूँ, लास्ट ईयर क्या था, मेरे 38 अटैम्प्ट थे रीजनिंग के अंदर, आउट ऑफ 40 और 40 आ गए थे। मैथ में अटैम्प्ट थे मेरे 30 और मेरे मार्क्स थे 32, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी के जो भी मार्क्स थे टोटल थे 72 आउट ऑफ 80। तो वो आए कैसे, देखो मेरा जो करने का प्लान है वो भी मैं अभी बता दूंगा कि मैं कैसे करता हूँ मोको, ठीक है। अब देखो आप यहाँ वहाँ जाओ ना तो आप ये दोनों सब्जेक्ट को इक्वली लिखो, ये नहीं मेरा मैथ वीक है तो मेरे को कैसे भी करके आप प्रीलिम्स निकाल लोगे ना तो फिर मेंस में फंस जाओगे। बात वही है, मेंस में तो रीजनिंग भी फंसा देगी, रीजनिंग में भी आपके 13 से 14 नंबर आएंगे, फिर जब पजल नहीं बनती वहाँ पे भी। आप सोचते हो कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो रीजनिंग का वहम है। रीजनिंग का यदि स्ट्रॉन्ग देखना तो IBPS क्लर्क मेंस में लोगों से पूछ लेना, रीजनिंग में एक पजल नहीं मिला, सिंगल पजल मेंस में, जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था उनका भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप में पहले माइंड सेट मत बनाओ कि मेरे को पहले ये करना है।
अब लोगों ने माइंडसेट बना रखा है कि मैंने रीजनिंग करनी है, ये करनी है। आप अपने सब्जेक्ट को कब स्ट्रोंग करोगे फिर बताओ, कौन से टाइम आएगा जब आप ऐसे कहोगे यार आज हमारा स्ट्रोंग है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मत सोच के करा करो कि यार मैं इतना करूँगा। अब जैसे रीजनिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइमिंग वाला बता देता हूँ सामने, 25 मिनट और 20 मिनट को आप डिवाइड करते हो ना, कि मैंने बहुत सारे सुना कि 25 मिनट हम देते हैं रीजनिंग को, 20 मिनट देते हैं मैथ में। आप फॉर एग्जांपल आपकी पज़ल फंस गई, आप 2 मिनट से वो पज़ल ही कर रहे हो वापिस से, 2 मिनट आपने पहले बना रहे थे, ठीक है, 2 मिनट आप फिर फंस गए, फिर उसको बनाओगे 2 मिनट, तो आपने एक पज़ल पे 6 मिनट तो ये बनाने में हो गया, ठीक है, प्लस क्वेश्चन करने में 2 मिनट मान लो, 8 मिनट में आप 5 नंबर ला रहे हो। क्या पता वो 8 मिनट मैथ में आप जो अर्थमेटिक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है अर्थ, ठीक है, वो 8 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर देते जहाँ पे आपने 5 किए। तो आप जहाँ पे ही फंस जाओ उसी टाइम स्विच हो जाओ सबसे पहले, तो चाहे वो पजल ही क्यों ना हो, एक बार आप सीखो ये चीज़ें। आप जब तक स्किप वाली चीज़ नहीं सीखोगे ना, आपके मार्क्स वहीं स्टक रहेंगे। क्यों? आपका माइंडसेट ये होता है कि यार मेरे को रीजनिंग 40 करनी है। आप रीजनिंग कब तक 40 करोगे ये बताओ। अब फंस गए, फॉर एग्जांपल जब मैंने 2020 में दिया था, मेरे थे 57 नंबर, तब बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी विड्रॉल कर ली थी, मतलब बॉब ग्रामीण बैंक जो है ना, 3 स्टेट में, यूपी, राजस्थान और क्या कहते हैं गुजरात में। तो मेरे क्या हो गया कि भाई मैंने रीजनिंग में 33 किए थे, ठीक है, तो मेरा यही था कि 40 का टारगेट था, उस वजह से मेरा मैथ का एक सिंपल सा DI रह गया। क्या था, यहाँ पाई चार्ट DI आया था, इसके परसेंटेज दे रखे थे, तो मेरे को आज भी वो 5 नंबर दुखते हैं जिसकी वजह से प्री नहीं हुआ, मेंस एकदम इजी हो जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर तो आपको 45 मिनट है, ऐसे तो है नहीं कि भाई 25 मिनट बाद ही दूसरा सब्जेक्ट खुलेगा। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, एक बार स्टक हो जाओ तो बस आप थोड़ा सा पेपर के साइड में लिख लो 21 नंबर क्वेश्चन था, और आप एक बार वापस गो थ्रू करके आओ पेपर का, मतलब सारा करके आओ, लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो आप यहाँ आ जाओ। इस पे यदि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर से नहीं बनी, फॉर एग्जांपल आपने 6 मिनट दे दिए नहीं बनी, फिर जब जाओगे तब आप एकदम, फिर आपका कहते ना सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। अभी तो देखो मॉक में तो आप क्या करते हो, सबमिट कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ कई कई बार, पजल नहीं बनती, मैं कहता छोड़ यार क्या पेपर देना, होगा तो है नहीं। बट वही मॉक आपको हमेशा प्रेशर में झेलना सिखाएगा। ये काम मैं पहले लास्ट ईयर तक करता था, लास्ट ईयर से मतलब पहले 2020 वाले में, जो मॉक में फंस गया मॉक सबमिट कर देता था। अब मैं जिस भी मॉक में फंस जाता हूँ मैं क्या करता हूँ, वो टॉपिक मतलब जो पजल बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ वो उसी टाइम स्किप कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरे को करने की कोशिश करता हूँ कि मैथ क्या अब तक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मेरा अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैं प्रेशर लेके क्वेश्चन को करता हूँ, कि मैं कहीं पे फंस जाता हूँ ना तो मैं ज़रूर वो मॉक अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि उस मॉक से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो टाइमिंग का बात आती है, टाइमिंग का बताता हूँ। टाइमिंग देखो 20-25 का डिवाइडेशन मत करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 25 मिनट 27 मिनट में चले जाते हैं, ये बेचारा 18 मिनट में रह जाता है, और 18 मिनट में हमेशा फंसाते हो आप मैथ। और जब मैथ फंस गया तो आप ये मान लो कि मैथ में यदि एक, वो कहते हैं रॉन्ग नंबर, आपको रॉन्ग नंबर आते ही आपका माइंडसेट घूम जाता है, तो वो 2 से 3 मिनट तो वही ले लेता है, बाद में आप सिर्फ डिफरेंस से ही नंबर पता लगा सकते हो, सामने देख के नहीं पता लगा सकते रॉन्ग नंबर में, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्वेश्चन आते भी कौन से हैं, रॉन्ग नंबर, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक और DI, उसके अलावा तो आप कुछ सोचते ही नहीं हो कि यार मैं यहाँ 20 ले आऊँ या 35 ले आऊँ, 55 नंबर, फिर आपका वहीं पर स्टक हो जाता है। इसलिए आप टाइमिंग को यदि सेट कर रहे हो तो 22 मिनट करो इसको रीजनिंग को, ठीक है, 22 मिनट को यदि आप 25 तक ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका 20 रहेगा टाइम। यदि आप इसका 25 और 20 सोच के चलते हो ना तो भाई ये हमेशा 27 मिनट में जाएगा। क्यों? 1-2 मिनट तो स्क्रॉलिंग में ही चला जाएगा, यहाँ पे आपको बताऊँ ले दे के आपके 17 मिनट ही बचेंगे, क्योंकि वहाँ जाके आपको क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो आप टाइमिंग को इसका 22 मिनट मैक्सिमम रखो, रीजनिंग के 22 मिनट के बाद में मैं स्विच कर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप ये मान लो 5 मिनट स्क्रॉलिंग के है दोनों साइड से, कि आपको ये भी ढूंढने कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने, या क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं बना हुआ ना, मेन चीज़ है माइंडसेट बनाना कि यार मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, सारे और सारे दोनों टॉपिक से कर सकता हूँ, तब तो कोई बात बने। अब आपने माइंड में बना रखा है, इसी वजह से तो वो 55 से ऊपर नंबर नहीं जाते, क्यों, रीजनिंग में 35 रह जाते हैं, मैथ में 20, बस यहाँ तक रह जाते हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपका एक क्वेश्चन हो रहा है, वो क्वेश्चन है कि भाई मैं पहले मैथ करूं या रीजनिंग करूं। देखो ये है चॉइस पे। अब जैसे देखो मेरा क्या है, मैं पहले मैथ अटेम्प्ट करता हूं, उसका एक रीज़न बता देता हूं। मैंने लास्ट ईयर में 10 मिनट में 22 क्वेश्चन कर लिए थे, जो अपने ये सारे स्पीड मैथ वाले होते हैं। उसके बाद में मैंने इसको ऐसा नहीं कि अब मेरे को 10 मिनट और देने, तो मेरे को ऐसे हो गया था कि अब यदि मैं रीजनिंग में 35 भी कर लेता हूँ ना, तो मेरे 57 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ में मेरे 60 मार्क्स तक हो जाएंगे। मेरा ये माइंडसेट था। तो मेरा क्या हुआ कि रीजनिंग 22 मिनट और 45 सेकंड लगे थे, मेरे को आज भी ध्यान है, और मेरा पूरा रीजनिंग हो गया था 38 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैंने खुद छोड़े थे, एक में तो वो एक से कोई वर्ड दे रखा था ASTOLG, इसमें पहला पाँचवा छठा आठवें से मिलके एक अर्थपूर्ण वो वर्ड बनता है, एक से ज़्यादा बनते तो एक्स बताएं नहीं तो जेड गन बताएं, ऐसे करके था। एक था श्लोक, जहाँ पे भी मेरे को लगता है कि श्लोक में मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि चार में से पाँच नंबर मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाय 3.75 के, ठीक है। तो ये काम मत करो कि आप पॉइंटों के मार्क्स, सॉरी यहाँ पे ये कट जाएगा तो 3.75 ही हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखा करो कि 2.75 आ जाएंगे, सवा नंबर का लॉस करना ही क्यों जब अपन फंस जाएंगे। तो मैंने 22 ये मिनट ये लगाए, ठीक है, 38 क्वेश्चन हो गए थे, और यहाँ पे देखो मेरे ये 22 क्वेश्चन हो रखे थे, और टाइम कितना चला गया था मेरा यहाँ पे 10 मिनट, मैं कहता हूँ स्क्रॉलिंग में और मान लो या 34 मिनट मान लो। अब मेरे पास में 11 मिनट बचे थे। अब मैंने 11 मिनट में क्या किया कि जो भी मैथ के मेरे रहते थे 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी हुए थे मुझसे, तो मेरे अटैम्प्ट ऐसे करके हो गए थे। तब मेरे को पता लग गया मेरा सेफ अटैम्प्ट क्या। तो अब जैसे सेफ अटैम्प्ट वाले में भी लास्ट में बता देता हूँ, इसके अंदर से यदि आपके 62 प्लस आ जाएंगे ना, तो आप सेफ हो कोई भी स्टेट से, ठीक है। वैसे कुछ स्टेट में 54 से 60 के बीच में ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स होते हैं जिसमें कट ऑफ बढ़ सकता है, तो मैं 62 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे लेस भी हो सकता है, 54 से लेस भी हो सकता है। कर्नाटका मेरे को लगता है 48 से 50 के बीच में ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब अपन आते हैं मैथ रीजनिंग में, स्पीड नहीं बन रही उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो मैथ में आपका क्या है, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए टॉपिक को लेके, कि मेरा ये टॉपिक क्लियर है। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में मेरा बोट एंड स्टीम, ठीक है, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, ठीक है, ये चार टॉपिक मेरे ऐसे हैं कि ये आ जाएंगे ना क्वेश्चन में तो मैं कभी भी स्किप नहीं करता, ठीक है, ये चार टॉपिक तो मैंने करने ही करने हैं, तो ये फिक्स हो जाते हैं। तो इसके साथ में क्या है, ये एडवांटेज है कि ये चार नंबर तो आपको, अब मेरे माइंड में ये होता है कि मेरे को मैथ में यदि वो 20 स्पीड मैथ 20 की आती है, तो ये चार 24 नंबर तो मेरे को लाने ही लाने। तो इसलिए आपको पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको टॉपिक कौन कौन से आते हैं, ठीक है, जिसमें आप वीक हो, मैं यही बोलूँगा, उसको आप पूरा दिन कर दो, एक दिन पूरा वेस्ट उसी पे कर दो। वो दिन वेस्ट नहीं होगा, वो आपको पूरा वर्थ इट हो जाएगा जब आप लास्ट में शाम को जब देखोगे कि हाँ यार इस टॉपिक को लेके मेरी क्लियरिटी हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर हमेशा वर्क करना है। अब जैसे कुछ है टेबल, अब टेबल है, जैसे अब कल मैंने 55 × 6 आया था, 330 लिख दिया, तो मेरा क्या है टेबल याद है, 45 × 6 = 270 होता है, तो ठीक है ये सारी चीज़ें अब मेरे को ध्यान है। तो जितना भी 35, 5, 175 तो मैं लिखता रहता हूँ टेबल वगैरह, तब याद होते हैं। अब देखो कोई रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में क्या है, सीधा सिंपल सा बताता हूँ, आप फंसोगे तो पजल में फंसोगे। फॉर एग्जांपल आपको आज फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल नहीं आती, जो यहाँ फ्लैट और फ्लोर आते हैं, ठीक है, कि ये सॉरी यहाँ फ्लैट वन लिखा होता है, यहाँ फ्लोर लिखा होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फ्लोर है जो भी हैं, ऊपर आते हैं वैसे तो 4, 3, 2, 1। तो आप पूरा दिन इस टाइप की पजल बना दो, आपका मैं बता रहा हूँ, यदि आपने 2 से 3 घंटे भी यही सेम पजल मतलब रिपीट मोड पे 4 से 5 बारी कर दी ना, कि भाई इस टाइप्स के कर दिए, तो आपकी इस पजल को लेकर क्लियरिटी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा साउथ और ईस्ट, साउथ और नॉर्थ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी कि यार यहाँ था, मेरे को ये चीज़ यहाँ पे नहीं रखनी है, माइंड में आ जाता है पजल में। यदि आप बार बार पजल को बनाओगे, कि आप कभी भी देखते हो आपको पता लग जाता है यार मेरे को ओड नंबर पे यहाँ नहीं रखना, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 का गैप नहीं है, तो मेरे को ऊपर रखना है, लाइक ऐसे होता है ना, तो वो चीज़ें आपको क्या है रिपीट पे करना है, जितनी आप मोक के साथ में पजल को करोगे। हाँ एक चीज़ और बताने वाला, एक अभी भी क्या है PDF पे घुसे हुए हैं, PDF पे या बुक पे घुसने की बजाय मैं कहता हूँ मॉक पे बैठ दो, ठीक है,
और मोक क्या है, अनलिमिटेड है, कितने मर्जी दे सकते हो। अब कुछ क्या करते हैं, हमारे 10 मोक देते हैं उसके बाद में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा क्लियरिटी कर देता हूँ, 10 मार्क्स नहीं बढ़ते हैं 10 मोक से कम 50 मोक तो दो। 10 मोक में तो आपको ये चीज़ पता लगती है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, ठीक है। अब आती है बात, आती है लास्ट एक्यूरेसी पे, ठीक है। सेफ अटैम्प्ट भी बता दिए हैं, एक्यूरेसी भी बता दिए हैं, और कितने मोक दें, पहली बात है मोक देने वाली, ठीक है। मोक देने हैं तो नॉर्मल मैं बताता हूँ, 2 मोक पीओ के दो, 1 मोक क्लर्क के दो, ठीक है। इससे ज़्यादा मोक मत दो। हाँ, इंडिविजुअल मोक कोई देना चाहता है सेक्शन वाइज तो वो दे सकता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं, आप जितने मर्जी दो, बट ये मिनिमम 2 मोक और 1 क्लर्क का, मतलब 3 मोक आपको देने हैं और अच्छे से एक एक चीज़ को वापिस से रिपीट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हाँ कर दिया मोक, बस इतने आगे अब आप नंबर नहीं बढ़ेंगे। आपको ये देखना है कि कौन सी गलती मैं रिपीट मोड पे हो रही है, मैं क्या गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन मैं देख भी नहीं पा रहा या देख नहीं पा रही हूँ, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आती है लास्ट चीज़ है जो एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी का सारा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थोड़ा सा क्या क्वेश्चन को जब करो तो ध्यान रखा करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कुछ लोग पजल ही गलत पढ़ देते हैं, कुछ मैं भी आता हूँ, ठीक है। मैं भी स्टार्ट में ये करता था, पजल ही गलत पढ़ देता था। तो आपको ये एक बार क्या है कि वो जो गलत करने से अच्छा है कि जैसे पजल दे रखी है तो उसके ऊपर की तीनों लाइनें आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये मोक नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। मोक को एग्ज़ाम की तरह ट्रीट किया करो कि ये नहीं चल गलत हो गया तो कोई बात नहीं अगले मोक में देख ले। नहीं, आप हर एक मोक में कट ऑफ सेट किया करो कि 57 लाने हैं, ठीक है। जैसे कल 55 आए थे, आज मेरे को 55.50 लाने हैं। आप हल्के हल्के मार्क्स बढ़ाओ, ऐसे नहीं आज मैंने 55 किए थे कल आज मुझे 62, कल मेरे 55 आए थे आज मेरे 62 लाने हैं, तो आप फंस जाओगे, फिर वो 55 भी नहीं आएंगे। आपने कोई एक टारगेट रखो कि आपके यदि 52 आ रहे हैं तो आज मेरे को कैसे भी करके 53 लाने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ में। अब एक्यूरेसी में देखो, इसमें कोई भी इस चीज़ को कोई भी नहीं सुधार सकता आपकी, मैं पहले बता देता हूँ, सिर्फ आपके अलावा। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना टिक करने का, अब क्या होता है श्लोक जैसे लोगों को आते नहीं, मैंने बहुत बार देखा है टिक कर देंगे, यार आप 4 ही रहने दो ना 5 में से, क्यों 2.75 पे आ जाते हो 5 में से, आप 4 ही रहने दो, आप 4 में ही खुश रहो, ठीक है। वो सब चीज़ें आप सोचा करो कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन होता है स्किप करने के, अब जैसे एक नंबर का वो एक ईजी सा क्वेश्चन आता है ना, जैसे कुछ नाम लिखा हुआ मॉन्स्टर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके आगे पीछे का वर्ड बताओ। चलो फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता लग रहा कि भाई एक बार आपने जल्दी जल्दी देख लिया तो भूल गए, आपको स्किप हो रहा है कि ऑप्शन में आपका 2 या 3 में से मिल नहीं रहा, तो आप क्या करो आराम से चेक कर लो दोबारा। ये नहीं है कि बस इस पे लगा देते हैं 2 या 3 में से ही होगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपके और भी कोई कॉमेंट्स होंगे, मेरे को नहीं पता, बट जो जो मेन कॉमन थे मैंने बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। और यदि फिर भी आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं हर वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और कुछ का एक दो का और रिप्लाई कर ही देता हूँ। कुछ भाई ऐसे बोलते हैं, कल के मॉक में एक का कमेंट था, आपने 30 मिनट में 37 क्वेश्चन किए। भाई मैंने तो वो 25 मिनट के बाद में क्वेश्चन छोड़ ही दिए थे, तो चलो मैंने कहा करवा देता हूँ कि चलो यहाँ पे 32 तक छोड़ देता हूँ। मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे आदत नहीं है ना, मेरे को पेज पे आदत है। अब कुछ लोग क्या, मेरे को यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा ना मोक करवाने की आदत है, मोक में क्या स्क्रीन में तो क्या बोलना पड़ता है, नीचे डेटा देखना पड़ता है बार बार। तो जिसको भी यदि किसी को और मोकों के नंबर देखने हैं तो घर आओ, आपको मैं मोक के सारे स्कोर कार्ड दिखा दूंगा, ठीक है। आप बोलने से पहले एक चीज़ सोचा करो, देखो मेरे को पहली बात तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि मैं आपको सीधा बोलता नहीं कभी भी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, आज तक ही नहीं बोला। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास आया है, मेरा इतना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद करता हूँ, वही चीज़ आपको बताता हूँ कि जिससे मेरे मार्क्स बढ़े हैं, जिससे मेरे मेंस क्लियर होते हैं। अभी तो SBI आएगा, SBI में देखना, SBI PO मैं अपना स्कोर कार्ड फिर शो कर दूंगा, तब देखते हैं, फिर लोग बोलेंगे कैसे मार्क्स आए, तब मैं बताऊँगा तो ही आएंगे। अब कहेंगे आप बताने से मार्क्स नहीं आएंगे, मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें करनी है। अब तब मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया 2 साल से एग्ज़ाम दिए तो, कि कौन सा पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबका अपना वे है बोलने का, मैं बोलने वालों को तो कुछ कह ही नहीं सकता। यदि वो यहाँ पे आके अपनी बड़ास निकालते हैं तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं,
तो वो यहाँ बड़ास निकालते हैं, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी कोई मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।